हेलो गाइस, चिंकी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक नई रेसिपी। ये आपको दिखने में बिल्कुल टोस्ट की तरह दिख रहे हैं, लेकिन यह शक्करपारे बनाए हमने। और मैं आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ। यह देखिए कितने क्रिस्पी शक्करपारे बने हैं। तो हमने शक्करपारे को गेहूँ के आटे से बनाए हैं। और गेहूं का आटा अगर आप यूज़ करते हो तो आपको गेहूं का आटा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ लेना है। अगर गेहूं का आटा बारीक पिसा हुआ नहीं है तो आप इसकी जगह मैदे का यूज़ कर सकते हो। गेहूं का आटा अगर हम मोटा लेंगे तो हम शक्करपारे बनाएंगे तेल में डालने के बाद ये फट जाएंगे, इसलिए हमने ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 2 कटोरी हमने ये गेहूं का आटा लेना है। और इसी कटोरी से हमें आधी कटोरी बारीक वाली सूजी ले लेनी है। अगर सूजी आपके पास मोटी हो तो मिक्सर में आपको पीस लेना है। फिर 1 बड़ा चम्मच हमने ये नारियल का बूरा लिया है, हमने इसे घर पर ही कद्दूकस करा है सूखा नारियल को, और आप बाजार वाला नारियल का बूरा भी यूज़ कर सकते हो। और 3 चम्मच हमने इसके अंदर तिल डाल दिए हैं। तिल डालने के बाद 1 चम्मच हमने सौंफ डाल दी है और 1 चम्मच हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। और ये हमने 1 कटोरी पीसी हुई चीनी है, ये भी हमें इसमें डाल देना है। हाथों की मदद से हमें इसे अच्छे से इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। 1/2 कटोरी हमने ये पिघला हुआ घी ले लिया है। आपको आटे में मोयन देने के लिए घी का ही यूज़ करना है। घी से हमारा ये शक्करपारे बिल्कुल खस्ता बनेंगे। आप मोयन घी से दें और तलने के लिए आप तेल का यूज़ कर सकते हो। दोनों हाथों की मदद से हमें इसे अच्छे से आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए। और आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसे देखना, अगर मुट्ठी बन जाती है आटे में तो यह मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और आटा गूंथने के लिए आपको गुनगुने पानी का यूज़ करना है ताकि इसमें घी की गुठलियाँ नहीं पड़े। और दोनों हाथ से हमें अच्छे से गूंथ मसल लेना है आटे को और आटे का डो तैयार कर लेना है। यह देखिए, आटे को आपको ना ही ज़्यादा सख्त गूंथना है ना ही ज़्यादा गीला लगाना है। यह देखिए, गुनगुने पानी का यूज़ करना है आपको आटा गूंथने के लिए। और आटे को आपको ढककर 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। 15 मिनट के बाद हम आटे को देखेंगे और हमारा आटा थोड़ा सा नरम हो गया है और आटे में अच्छे से आटे को फिर से हमें अच्छे से मथ लेना है, गूँथ लेना है। और इसके बाद हम शक्करपारे बनाएंगे। छोटी छोटी लोइयां बनाकर और इसे थोड़ा सा पटले पर लंबा करके हमें इसके शक्करपारे को काटेंगे। यह देखिए, हमने इसे लंबा कर लिया है हाथों की मदद से। अब एक चाकू लेंगे, चाकू की मदद से हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। आपको जो शेप देना है आप वैसे दे सकते हो शक्करपारे के। आप इसे अच्छे से बेल कर चाकू से चोकर चोकर भी काट सकते हो, लंबे लंबे भी काट सकते हो। आपको जैसा शेप देना है आप दे सकते हो। यह देखिए, ऐसा करने से यह बिल्कुल टोस्ट की तरह लगेंगे यह शक्करपारे, इसलिए हमने इसको लंबी बेल कर चाकू की मदद से इसे हमने काट लिया है। यह देखिए, इसी तरह से आपको सारे शक्करपारे बना लेना है। और शक्करपारे पूरे बनने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि यह थोड़े सूख जाए। और या फिर आप इसे लंबे लंबे बेल कर एक साथ काट कर भी शक्करपारे को रख सकते हो। यह देखिए, जैसा आपको वीडियो में बताया जा रहा है आप वैसा ही करें। यह देखिए, हमने सारे शक्करपारे एक साथ कट कर लिए हैं। कट करने के बाद हम इसे ऐसे ही 15 मिनट के लिए रख देंगे और यह हमारे सारे शक्करपारे बन गए हैं। अब हमने इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है और 15 मिनट के बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। यह हमने पहले से ही चूल्हा जला कर रखा था और इस पर हमने कढ़ाई रख दी है। फिर इसके अंदर हमें तेल डालना है। अगर आप घी का यूज़ करना चाहते हो तो आप तलने के लिए घी का भी यूज़ कर सकते हो। हमने
तेल का यूज़ करा है तलने के लिए, और फिर हमें तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम तेल को चेक करेंगे हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ है। इसके लिए हमने एक शक्करपारा ले लिया है, शक्करपारे को हमने तेल के अंदर डाल दिया है। यह शक्करपारा तेल में ऊपर आ गया है, मतलब हमारा तेल बुरी तरह से गर्म हो गया है। तो हमें सारे शक्करपारे अब तल लेंगे। एक एक करके हमें सारे शक्करपारे तेल के अंदर डाल देना है, और गैस की आँच को आपको मीडियम रखना है। मीडियम आँच पर इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इन्हें अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा शक्करपारे के कलर चेंज हो गया है, तो इनकी साइड को हमें चेंज करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमें सारे शक्करपारे को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारे शक्करपारे को आपको निकाल लेना है। यह देखिए, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। गोल्डन ब्राउन कलर होने पर इन्हें हमें निकाल लेना है। यह देखिए, हमारे शक्करपारे बनके तैयार है। यह दिखने में जितने अच्छे लग रहे, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। यह बिल्कुल टोस्ट की तरह लगे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाना। और यह आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ, यह बिल्कुल क्रिस्पी करारे बने हैं। यह देखिए, इनकी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कैसे बने हैं ये।